कैसे ट्रेंडिंग पंजाबी पेन किलर सॉन्ग आपने देखा होगा, सुना होगा इंस्टाग्राम पर। और इस पर सबसे ज़्यादा जो वायरल रील है वो ये वाला रील है जो प्रीवियस में आपने देखा है। इस तरह की एडिटिंग यदि आप भी करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको यह सिखाऊंगी। सो गाइस, वीडियो काफ़ी सिंपल है, जो भी मैं स्टेप्स आपको बताऊंगी बहुत ही इजी है, सिंपल है। सो वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से आप समझ जाएंगे और वीडियो एडिट कर पाएंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सुबह से रील बनाने के लिए हम कैपकट ऐप का यूज़ करेंगे, और कैपकट को रन करने के लिए हमें वीपीएन भी चाहिए होता है, जो कि मैंने, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में मैंने कनेक्ट करा हुआ है। वीपीएन आपको इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाते हैं, कोई सा भी वीपीएन आप यूज़ कर सकते हैं। मैं जो वीपीएन यूज़ करती हूँ उसका नाम है टर्बो वीपीएन। तो सिंपल है इंस्टॉल करना एंड उसको कनेक्ट करना भी बहुत सिंपल है। उसके बाद अपना जो कैपकट है ओपन कर लेना है। देन गाइस, आपका एक अच्छा सा वीडियो रिकॉर्ड होना चाहिए आपके फ़ोन गैलरी में। सो उसको यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेते हैं, एंड इम्पोर्ट करने के लिए न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड फ़ोन लाइब्रेरी से अपने वीडियो को सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं बैक कर लेती हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सेव करा हुआ है। ओके, इसको ओपन कर लेते हैं। एक बार मैं आपको इसको प्ले करके दिखाती हूँ कि ये कितना नॉर्मल वीडियो है जिसे आप नॉर्मल रिकॉर्ड करते हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा मूव हुआ है, हल्का सा मूव किया इन्होंने अपनी बॉडी को। तो आप अच्छे से मूव कर सकते हैं, जैसे कि ये छोटा सा मूव है तो आप अच्छे से मूव करें। इसके बाद यहाँ पर स्पीड आपको स्लोमो करना है, वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, सेकंड ऑप्शन है स्पीड पे आएंगे एंड नॉर्मल पे क्लिक करेंगे। यहाँ से इसको स्पीड कम कर लेनी है, तो इससे जो आपका वीडियो है बहुत ही अच्छा बनता है। ओके, स्पीड अच्छी लगती है, डन कर लेंगे। अब मैं इसको प्ले करके दिखाती हूँ कि किस तरह से हल्का सा मूव होगा बहुत ही स्लोमो में। ओके, तो ये आप देखेंगे। ओके, इस तरह से आपका वीडियो फिर बनता है जब आप स्लोमो में कन्वर्ट करते हैं। अभी गाइस हमें म्यूज़िक ऐड करना है, उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो की एडिटिंग करेंगे। सो म्यूज़िक ऐड करने के लिए वीडियो के जस्ट नीचे ऐड ऑडियो के ऊपर क्लिक आपको करना है, देन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और वो रील सेलेक्ट कर लेंगे जो आपने प्रीव्यू में देखा है, एंड एक्सट्रैक्ट एंड ऐड ऑडियो पे क्लिक करेंगे, क्योंकि इस रील से हमें ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करना है। और अगर सोच रहे हैं ये रील कहाँ से आएगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट उस रील पर पहुँचेंगे जो चाहिए आपको। रील के ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके आपको सेव टू गैलरी कर लेना है रील को। ओके, देन इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, बस म्यूज़िक ऐड हो जाएगा। अब गाइस, म्यूज़िक बीट हमें सुननी होगी, उसके अकॉर्डिंग हमें 2 पार्ट में डिवाइड वीडियो को करना है। सो मैं सुन लेती हूँ, देन आपको बताती हूँ कि आपको कहाँ से स्प्लिट करना है वीडियो को। ओके ओके, तो ये वाली जो बीट है यहाँ से हमें वीडियो को स्प्लिट करना है। सो फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है स्प्लिट का, स्प्लिट कर लें और इसकी ड्यूरेशन आएगी लगभग 7 सेकेंड के लिए। आप फर्स्ट पार्ट को रखेंगे वीडियो के, ओके, वहाँ से आपको स्प्लिट कर लेना है। अब गाइस, जो आपका ये फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें ब्लर इफेक्ट अप्लाई करना है। यहाँ से बैक करते हैं और फर्स्ट रो जो है 5th ऑप्शन इफेक्ट्स का मिलेगा, क्लिक करेंगे एंड वीडियो इफेक्ट्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। अभी गाइस ट्रेंडिंग में आपको ये हेलो ब्लर हम हमेशा यूज़ करते थे, बट अभी जो ये हेलो ब्लर है क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इंस्टाग्राम पर, यही चलता रहता है, तो ये अब प्रो में मिलेगा, मतलब कि इसको आपको पैसे देने होंगे। तो अगर आपको पैसे देने हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं पेमेंट करके, उसके बाद आपको ये जो इफ़ेक्ट है मिल जाएगा। बट अभी मैं सिखाने के लिए आपको बता देती हूँ कि डायमंड जूम भी आप कर सकते हैं। डायमंड जूम के ऊपर क्लिक कर लेते हैं एंड इसे एडजस्ट कर लेते हैं डबल क्लिक करके। ओके, साइज़ आपको डायमंड्स की कैसे चाहिए, छोटी छोटी चाहिए या बड़े बड़े चाहिए, तो वो हम साइज़ कर लेंगे। मुझे छोटी चाहिए तो कम कर लिया मैंने, एंड इंटेंसिटी फुल कर ली है, एंड स्पीड कैसी चाहिए स्पीड भी कम कर लेंगे क्योंकि काफ़ी लेंथ है वीडियो, एंड डन कर। ओके, यहाँ से इसको थोड़ा आगे यहाँ तक करेंगे। ओके, हमें यहाँ तक चाहिए, सो कितना इंक्रीज करें, ये हमारा आ गया ब्लर इफेक्ट। ओके,
अब गाइस यहाँ पर हमें क्या करना है, अगेन वीडियो इफेक्ट्स पे जाना है। सेकंड वीडियो में हम क्या अप्लाई करते हैं वो जानते हैं। तो ट्रेंडिंग में ही आपको मिलता है एक, तो थोड़ा स्क्रॉल अप करना है आपको और यहाँ आपको नीचे मिलेगा स्ट्रोब करके। तो स्ट्रोब वाला जो इफेक्ट है ये आपको अप्लाई कर लेना है एंड ये सही लग रहा है सो डन कर लेते हैं, इसको एडजस्ट करने की नीड नहीं है और इसको फुल्ली अप्लाई करेंगे फुल वीडियो में। ओके अगेन गाइस आप वीडियो इफेक्ट्स पे जाएंगे, दो इफेक्ट हमें यहाँ पर अप्लाई करने हैं। यहाँ पर शेक इफेक्ट आपको मिलेगा, शेक इफेक्ट अप्लाई करेंगे, इसको एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट अगेन जस्ट क्लिक करेंगे एंड इसकी जो इंटेंसिटी है इसको आपको 5 कर लेना है, बहुत कम रखेंगे इस तरह से। ओके बहुत ही कम शेक होना चाहिए, अगर आप बहुत ज़्यादा कर लेंगे इंटेंसिटी तो ये बहुत ज़्यादा शेक करेगा। ओके इसलिए हमें बहुत ही कम शेक करना है, जो हम 5 कर लेंगे। स्पीड भी इसकी आप 30-35 रखें। ओके एंड डन कर। अभी गाइस इस शेक इफेक्ट को भी हमें फुली अप्लाई करना है यहाँ तक जहाँ तक म्यूज़िक है। ओके बस ओके, तो वीडियो आपका कंप्लीट है। यहाँ पर मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देती बट जब हम इफेक्ट्स को अप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर वीडियो सही से रन नहीं करता है, तो मैं यहाँ से सेव कर लेती हूँ पहले वीडियो को, देन आपको फ़ोन गैलरी में जाकर शो कराती हूँ कि वीडियो कैसा बनाए। ओके तो वीडियो सेव करने के लिए गाइस ऊपर टॉप राइट कॉर्नर से आपको फॉरवर्ड कर लेना है। ओके डन कर लेंगे, एग्जिट कर लेंगे कैपकट से और अपना जो फोन गैलरी है उसको ओपन करके आपको दिखा। ओके तो इस तरह से गाइस ये वीडियो बनेगा और जैसा मैंने कहा कि वीडियो में बहुत ही हल्का सा मूव हुआ है जो इन्होंने रिकॉर्ड किया है अपना ओन वीडियो, तो इसलिए भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है वीडियो में। अगर आप थोड़े अच्छे से एक्शन करेंगे, अच्छे से मूव करेंगे तो वीडियो और भी ज़्यादा मज़ेदार बनता है और इस तरह से ईजिली आप 1-2-3 इफेक्ट अप्लाई करते हैं एंड वीडियो आपका अच्छा बनेगा, वायरल सॉन्ग तो है ही। तो कैसा था गाइस आपके लिए ये वीडियो, अच्छा लगा नहीं लगा आप वीडियो को लाइक डिसलाइक ज़रूर कर लें और इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।